अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाबा आपको जो करना है ना सब कीजिए, बस हमारे राजीव को कहाँ का रोशनी लौटा दीजिए बाबा, उनका जिंदगी आसान हो जाएगा। उनका आकर रोशनी लौटा देंगे ना, राजीव बाबू का आकर रोशनी लौटा देंगे ना बाबा, हाँ बोलिए ना। राजीव बाबू ये बाबा है, वो कह रहे हैं कि आपका आकर रोशनी ना वापस लौटा देंगे वो। अच्छा ऐसा कहते हैं बाबा, तो इनका ये दावा है कि ये हमारी आंखें ठीक कर सकते हैं, मतलब कि जो आंखें दुनिया भर के डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए वो ये करेंगे ठीक। तो फिर तो अच्छी बात है कि हम इज्जत से अपनी इज्जत बचा के दुनिया के सामने खड़े रह सकते हैं, नहीं? तू ही है वो लाचार प्राणी। क्या बोल रहे हैं बाबा आप? आप राजीव बाबू का अपमान कर रहे हैं। चल चल बल दुख कष्ट ओझल। राजीव बाबू। राजीव दा। ये राजीव क्यों गरज रहा है? हटो हटो, चल चल बल दुख कष्ट ओझल, नेत्रों में ज्योति ज्योति का फल। क्या कर रहे दीदी, रोकिए ना दीदी, रुक जाओ करने दो। अरे क्या है, हट झट दूर हो अंधेरा, निकल जा। अरे क्या तमाशा है, रोके ये क्या कर रहे हो? अनर्थ, घोर अनर्थ, लौटा दे बाबा का हंटर। तो बाबा जी आपके कहने का मतलब ये है कि आप हमको कोड़े मारेंगे और हमारी आंखों की ज्योति वापस लौट कर आए। बेशक लौट आएगी। राजीव बाबू, राजीव बाबू, आइए एक और हमको दीजिए। पीछे हटो। नहीं हटेंगे, नहीं। हम कहते हैं छोड़ो। नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, आप कोरा छोड़िए। हटो पीछे कहूँ। आपको मालूम होता ना कि ये सब तमाशा होने वाला है, तुम कभी नहीं आते बाबा के पास। राजीव बाबू लाइए हमको दे दीजिए, छोड़िए। तुम चाहती हो ना कि हमारी आंखें लौट के आ जाए? चलो हटो पीछे। दीदी रुको, राजीव बाबू हमको लगा था कि आपका आकर रोशनी आने का यही समाधान है, यही इलाज है, हम बस यही सोचे थे, लेकिन ये सब तरीका थोड़ी ना है। ये तरीका भी तुमने ही चुना है ना? अगर चुना है तो चुना, अब यही होगा। छोड़ो और जाओ पीछे, छोड़ो वो, छोड़ो अपना। अब हम अपना धर्म निभाएंगे, अपनी पत्नी की सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, चाहे फिर वो इच्छा बेतुकी बेफिजूल ही क्यों ना हो। नहीं नहीं राजीव बाबू। क्या बाबा, कोड़े मारने ना? ठीक, क्या करें आप? दीदी 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 दीदी, अरे रोकिए ना इनको। बाबा जी ने हंडर की बूटी दी है हमको, चक्के देखते क्या होता है। नहीं राजीव बाबू, माफी मांगते हैं। ये ऊ का विश्वास है ना कि अगर हमको ये हंटर पड़ेंगे तो हमारे आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। तो ठीक है, कितने कोड़े पड़ने चाहिए? एक नहीं!
राजीव बाबू माफ कर दीजिए, गलती हो गया हमसे। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है हमको। राजीव बाबू इस प्रेम के पथ पे चल के गलती हो गया। माफ कर दीजिए हमको। 3 साल को 3 साल से अंधेरों में भटक रहे, फिर टटोल टटोल कर रास्ते पर चलते, हर पल घुटन महसूस होती है हमको। जब से तुम आई हो हमको लगा कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, अरे हमारी घुटन कम हो जाए, अंधेरा छट जाएगा, हमारा टटोल टटोल कर चलना नहीं पड़ेगा रास्ते। गलत है, तुमको तो नफरत है हमारे अंधेपन से। या ये कहे कि तुमको हमसे नहीं 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 कैसा बात बोल रहे आप राजीव बाबू, आप फिर भी जैसा कुछ नहीं है। नहीं को हमको नहीं लगता कि तुमको हम पे प्यार आता है, तुमको ना हम पे दया आती है, तरस आता है हम पे। नहीं सच कह रहे, हमको पता होता ये सब होने वाला तमाशा तो कभी नहीं आते। अब चुप रहे, चलो हमारे साथ। आप हमारी बात तो सुनिए राजीव बाबू। अरे बोलती जाओ बोलती जाओ, बोल बोल के धोखा दिया है ना आपको, तो बोलो ना। रुक जाइए, आपको चोट लग रहा है। अरे आंखों से लाचार इंसान के भाग्य में ही चोटें और ठोकर है, और ये ठोकर साबित करती है कूजी कि लाचार पति की पत्नी भी लाचार है और ठोकरों की हिस्सेदार। चलो। अरे रुक जाइए। क्या कहती थी, सक्षम बनो, आंखों से लाचारी कुछ नहीं होती और दुनिया भर में फिर रही हो इलाज के लिए। किसको खल रही है, किसको खल रही है लाचारी, तुमको। अपने लाचार पति के साथ चलो। हमारी लाचारी क्या है जानना चाहती हो तुम? कैसे बात कर रहे हैं आप? बताओ ये तस्वीर में क्या दिखता है तुमको? इसमें वो समय जब आप लाचार नहीं, क्या नहीं थे हम? क्या दिखाई दे रहा है तुमको, जरा जोर से बोलो, क्या दिखाई दे रहा है? खुशी दिखता है, अपनापन, अपने दोस्त, ढेर सारी खुशियां, बहुत खुशी। ओके, अब हाँ, इसमें क्या दिखता है तुमको? ये तो हमारा और आपका ब्याह का तस्वीर है। ब्याह का तस्वीर है ना, दिखता है ना ये तुमको? हाँ। अच्छा अब हम बताते हैं। राजीव बाबू ये आवाज सुनी आपने? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं शीशा टूटा हो। बुआ जी मैं देख के आती हूँ। नहीं बेटा, उन दोनों के बीच का मसला है, उन दोनों को ही सुलझाने दो। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कहू ने उस बाबा को इस घर में बुलाए क्यों, क्या जरूरत थी बुलाने की? हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि बीच में इतना बड़ा झगड़ा। और मुझे तो लगता था इनका रिश्ता इतना बड़ा है कि ये छोटे मोटे झगड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी 2-3 दिन पहले तो सब कुछ सही था इन दोनों के बीच में, फिर अचानक ये सब। वजह उन दोनों के बीच नहीं है,
बल्कि बाहर है। किसी की बुरी नजर का असर और कुछ लोगों के षड्यंत्र का नतीजा है। बुआ जी साफ साफ बताइए, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? क्या कहें और कितना कहें? कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तुमने फिर से कुछ किया? हमने? देखो, अगर इस बार तुमने कुछ भी किया होगा ना, तो ना इस बार तुम्हें कोई रहम मिलेगा और ना ही कोई माफी। समझ में आया तुम्हें? और बाबा कैसे पिता है? आपकी नफरत कम क्यों नहीं होती? आप अपनी असली पर्सनालिटी को छोड़ अपने पिताजी की परछाई क्यों बनते जा रहे हो? आखिर क्यों? दादा, सच सच बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे आप? यही है, अरे यही है, यही तो है सबके पीछे। रुकिए, पूरा कांच है, पैर में चुभ जाएगा। चुपचाप वहीं खड़ी रहना को, चुपचाप। कैरन, आप नहीं जाएंगे, रुकिए इधर ही। इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें, हाथ छोड़ो अमर। नहीं छोड़ूंगी। इस प्रेम के पथ पे चल के वैराग सुमन ने पाया, जहां आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। बताओ, ये जो तस्वीर है, ये हमारी लाचारी से पहले की तस्वीर है ना? क्या कह रहे हमको हो? बताओ हमको, ये वही तस्वीर है ना? क्या हुआ? बोला नहीं जा रहा तुमसे कि पहले जो थे हम वो खुश थे और अब जो है वो दुख? बयां नहीं कर सकती तुम? ऐसा नहीं है, अभी सब बात नहीं करना चाहते, पुराना समय याद नहीं करना चाहते, इसीलिए हम चुप हैं। अरे जो भी था, लेकिन कड़वा था, सच था वो। पहले हम खुश थे, जिंदगी रंगीन थी हमारी, सक्षम थे हम, और अब, अरे अब जो देखो वो एक ही बात कहते, एक ही चीज महसूस करवाता है हमको कि हम जो है वो लाचार इंसान है। और तुम भी ना इस सच का सामना नहीं कर सकते, इस सच्चाई से नफरत है तुमको। हम, अरे हम तो वो अपनी पुरानी यादें, अपना अतीत, वो चेहरे सबको भूलते जा रहे हैं। सारी तस्वीरें जो है ना वो धुंधली होती जा रही। हमको तो ठीक से ये भी नहीं पता कि तुम महसूस क्या करती हो। तुम्हारे आंसू तक नहीं देख सकते हम, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन एक बात बोले तुमको, नफरत की ना कोई शक्ल नहीं होती। हम और नफरत, हम कहीं करेंगे आज से राजीव बाबू नफरत? अरे अगर नफरत करती भी हो तो भी ठीक है ना को, नफरत भी ठीक थी, पर धोखा नहीं। अरे आंखों से लाचार पति अगर मंजूर नहीं था ना तो पहले बोल देती ना। अरे हमारे बाप को भी नहीं मंजूर ये आंखों से लाचार बेटा उनका, पर तुमसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि तुम तो बोल सकती थी ना। ये अब तो गलती हो गया है, बस एक गलती हो गया कि हम गलत इंसान के बहकावे में आ गए। देखिए हमारे नियत में, हमारे मन में कोई खोट नहीं है राजीव बाबू, हम तो बस इतना सोचे चाहे कि अगर हमारे राजीव बाबू का आकर रोशनी वापस आ जाता है तो क्या गलत है? हाँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस हमसे यही गलती होगी इसलिए हम गलत रास्ता चुन लिए। नहीं, लेकिन एक बात बताओ ना हमको, इसके बावजूद अगर हमारी आंखों की ये ज्योति वापस नहीं आती है तो क्या? नहीं बताओ ना तो क्या, आगे का जीवन कैसे जियोगी हमारे साथ? बोलो ना हमको, कि हमारे साथ आगे का जीवन बिताने के लिए बस एक ही चीज करनी पड़ेगी तुमको। ये जब हम जो भी है ना लाचार है, जो भी है उसको स्वीकारना होगा। पर क्या है नको, तुम्हें तो ये अधूरा इंसान स्वीकार नहीं, और उससे जो होने वाली अधूरी संतान है वो भी तुमको स्वीकार नहीं है। कहीं वो जो संतान होगी तुम्हारी वो हमारे तरह लाचार निकली तो? नहीं राजीव बाबू, ऐसा हम कभी नहीं सोचे। अरे बस कर, बस करो और झूठ मत बोलो। खुद हमने सुना है, हमने सुना था तुमको ये कहते हुए बुआ जी से जब बात करी थी ना तब सुना था। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, उसको डर है
कि हमारे बच्चों में वो कमी ना रह जाए। हो गया, कुछ और भी बोलना है? हैरान, परेशान और थका देने वाला काम करते हो तुम लोग। अरे कभी तो बख्श दो हमको। ये मस्ती गोलमोल कर देने की जो आदत हो गई है ना दादा, ये सब जानते हैं। और ये जो कुछ हो रहा है ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके बारे में भी वाकिफ है। आप सिर्फ ये बताइए कि ये घर चल के मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दिया जाए। बेटा एक बात बताओ, माइंड मत करना। तुम्हारी शादी अगर किसी शरीर से लाचार आदमी के साथ कर दी जाए तो क्या तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन को मंजूर होगा? चलो तुमको छोड़ो, जानवी की शादी अगर किसी शरीर से लाचार आदमी के साथ कर दी जाए तो क्या तुमको मंजूर होगा? बोलो, सोच के बताओ हमको। अरे किसी के पास इसका जवाब, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। और सब लोग लगे हैं राजीव और कुहू की प्रेम कहानी की पड़ताल करने में। सिर्फ बातें बनाना आता है तुम लोगों को, सिर्फ तमाशा करना आता है तुम लोगों को। कुहू और राजीव दा की प्रेम कहानी कोई परियों की कहानी से कम नहीं होगी, और इस बात के साक्षी हम खुद हैं। हमने खुद ने देखा है उन्हें मुनिया टोला में। अरे तुम इस मामले में न पड़ो तो अच्छा है। चुप हो जाओ देश, अपनी सीमा अपनी मर्यादा में रहो। वैसे भी ये इनके घर का मामला है, हम तो बस मेहमान हैं यहाँ पर। माफ कीजिए, गुस्सा नया तो नहीं है पर ये आ कहां से रहा है? मेहमान, ये तो नई बात हो गई, ये नई सोच कहां से आ गई इसमें? हमारा बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना। अरे सुनना पड़ेगा, आप जो बोल रहे हैं ना वो सब गलत है। आपको ना कुछ वहम हो गया है, आपको जो लग रहा ना हमारे बारे में वो सब गलत है राजीव बाबू। बस करो ना, कितना झूठ बोलोगी, बस करो प्लीज। नहीं करेंगे हम बस। आप हमारे पति, तो आ गए आप हमारे, तो आ गए आप तो फिकर करने का। अगर किसी जतन से, किसी तरीके से अगर आपका जीवन बेहतर हो सकता है तो जतन करने का हक है हमारा राजीव बाबू। कह के आप हमारे प्रेम पति, और इसीलिए गए थे हम बाबा के पास, और कुछ नहीं था। हम झूठ नहीं कह रहे, हम जितना मानते ना आपको हम बता भी नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि हम आपको कम आंकते, ऐसा नहीं है। अरे हमारे मन से, हमारे नजरिए से देखिए, हम आपका मानना कितना ऊंचा है हम बता भी नहीं सकते। और वो जी से हम बात कर रहे थे, लेकिन उनसे हम यही कह रहे थे कि जो हमारा संतान हो, इस घर का वंश हो, वो हमारी तरह ना हो, कम राजीव बाबू ज्यादा हो, यही कह रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना तो हम बुआ जी से पूछवा देते ना, हम बुलाते। अरे बस करो, बुलाते बुआ जी को, आप पूछिए उनसे, हम क्या बोले उनसे। झूठ बोलना है तो झूठ में रहो, लेकिन हमारे परिवार वालों को ना और मत घसीटो इसमें। हमसे संतान नहीं चाहिए तो कभी बाबा कभी बुआ जी, बस अपने मन की बातें उन पे ही थोप रही हो तुम। अरे बुआ जी तो बेचारी प्यार करती है तुमसे, तुम्हारे लिए तो वो झूठ भी बोल देगी, लेकिन तुम्हारा झूठ ना, तुम्हारा झूठ अब सामने आ गया। और हमको और गुमराह करने की कोशिश मत करो, भरोसा नहीं हमको तुम पे। हम पे भरोसा नहीं है, लेकिन बुआ जी पे तो भरोसा है, उनसे पूछ लीजिए। फिर तो हमारे लिए एक को कहीं सजा है। Thank you.
भरोसा नहीं है आपको पर। तुम फिक्र मत करो को, आज के बाद ना तुमको ना इस लाचार इंसान के साथ और रहने की और ना ही उसके लिए झूठ बोलने की बंदिश। झूठ? और हम सच कह रहे कि हम भी थक चुके इस झूठ को बर्दाश्त करते करते, इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि हम दूर चले जाएंगे। हम तुमसे दूर चले जाएंगे को, और इतनी दूर चले जाएंगे ना कि तुम अगर चाहो भी ना तो हमको ढूंढ नहीं पाओगे। नहीं, हम आप पापा ही नहीं जाने देंगे। आपको कहीं नहीं जाने देंगे। छोड़ो, हम कह रहे ना छोड़ो, हमारे छोड़ो, हमको पीछा मत करो हमारा, छोड़ो हमको, नहीं जाने देंगे हम कहीं आपको, वो छोड़ो हमको, कहीं नहीं जाएंगे राजू हमको।